हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दिलीप चौधरी और आप सभी का स्वागत अभिनंदन। साथियों, राजस्थान के ज़िले एवं संभाग इस टॉपिक को लेकर आज हम अध्ययन करने वाले हैं। राजस्थान में पूर्व में अगर हम संभागों की बात करें तो 7 संभाग हुआ करते थे, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर और भरतपुर, जिनकी संख्या वर्तमान में 10 हो चुकी है। यानी सीकर, पाली और बांसवाड़ा को 17 मार्च 2023 को नवीन संभाग घोषित किया गया है। हालांकि इनका गजट नोटिफिकेशन अभी जारी होना है और वो जारी होने के बाद की डेट हमको याद रखनी पड़ेगी। ऐसे ही पूर्व में जिले थे 33 और वर्तमान में इनकी संख्या हो चुकी है 50। 50 जिलों में जो नवीनतम जिले थे उस सीरीज को मैंने कंप्लीट करा दिया है। केवल जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम, इन 4 जिलों को मैंने नहीं बताया है। अगर हम बात करें राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की, तो राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई वो साथियों 1950 से ही हो गई थी, लेकिन 1962 में इस संभागीय व्यवस्था को मोहनलाल सुखाड़िया ने बंद कर दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। उस समय संभागों की संख्या हुआ करती थी 5, यानी अजमेर और भरतपुर संभाग नहीं हुआ करते थे। लेकिन 1987 में मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी ने अजमेर को 6वां संभाग घोषित किया। 7वां संभाग जो बनाया गया वो वसुंधरा राजे ने 2005 में भरतपुर को 7वां संभाग घोषित किया। लेकिन अब 3 नए संभागों के बनने से अब इनकी संख्या 10 हो जाएगी। तो संभागीय व्यवस्था के बारे में एक वीडियो मैंने पहले भी डाला हुआ है, जो पुराने संभागों के बारे में मैंने वहाँ पे विस्तृत रूप से बताया है, वो भी आप देख सकते हैं। साथ ही अगर जिलों की बात करें तो पहले श्रीगंगानगर से अलग करके 1994 में हनुमानगढ़ को बनाया गया था। इस तरह से बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली, सिरोही, नागौर, चूरू, नागौर जोधपुर रियासत से अलग होकर बना था साथियों। सीकर, झुंझुनू, अब सीकर से अलग करके नीम का थाना बनाया जा रहा है। इसी तरह जयपुर से 3 बनेंगे, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण और दूदू। अजमेर से भी 3 बनेंगे, ब्यावर, केकड़ी और अजमेर, ठीक है। ऐसे ही श्रीगंगानगर से अनूपगढ़ को बनाया जा रहा है। जोधपुर से भी फलौदी, जोधपुर पूर्व और जोधपुर पश्चिम को बनाया जा रहा है। बाड़मेर से बालोतरा को बनाया जा रहा है। जालौर से सांचौर को बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये नवीनतम जिलों की मैं बात कर रहा हूँ जो नवीन बन रहे हैं। इसी तरह नागौर से डीडवाना कोचामन को नया जिला बनाया जा रहा है। इसी तरह भीलवाड़ा से शाहपुरा को नया जिला बनाया जा रहा है, एक चित्तौड़गढ़ जिला है। उदयपुर से सलूमबर को नया जिला बनाया जा रहा है। इससे पहले उदयपुर की धरियावत तहसील को प्रतापगढ़ में भी शामिल किया गया था। इससे पहले राजसमंद को भी उदयपुर से ही बनाया गया था। बांसवाड़ा जिला है, अब इसे संभाग बनाया जा रहा है। इसी तरह डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, टोंक के कुछ क्षेत्र जैसे मालपुरा है उसे किस में दे देंगे, दूदू में दे देंगे। इसके अलावा इसका जो देवली का इलाका है वो उसे केकड़ी जिले में दे देंगे। सवाई माधोपुर जो जिला है इसमें से गंगापुर सिटी जो है वो जिला बनाया जा रहा है। पहले करौली भी इसी से पृथक होकर बना था। दौसा की महुआ तहसील भी सवाई माधोपुर से ही ली गई थी। दौसा जिला कहाँ से बना था, जयपुर से बना था। इसी तरह भरतपुर से अलग करके धौलपुर बनाया गया था, अब भरतपुर से अलग करके डीग को बनाया जा रहा है। इसी तरह राजसमंद, अलवर से भी 3 जिले बन रहे हैं। अलवर से एक तो खैरतल बनेगा, एक बहरोड कोटपूतली नामक जो जिला बन रहा है उसमें बहरोड का क्षेत्र जो है वो अलवर से ही जाएगा। ऐसे ही अब हम नवसृजित जिले यहाँ पे देखेंगे तो देखो ब्यावर किससे बना, अजमेर से बना। केकड़ी किससे बना, अजमेर से बना। अनूपगढ़ गंगानगर से बना। फलौदी जोधपुर से बना। डीडवाना कोचामन नागौर से बना। बालोतरा बाड़मेर से बना। सांचौर जालौर से बन गया। सलूमबर उदयपुर से। शाहपुरा भीलवाड़ा से। दूदू जयपुर से। डीग भरतपुर से। खैरथल अलवर से। कोटपुतली बहरोड, ये कोटपुतली जयपुर से और बहरोड अलवर से। जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण दोनों जयपुर से ही बने हैं। गंगापुर सिटी, इसके अलावा जोधपुर गंगापुर सिटी कहाँ से बना है, सवाई माधोपुर से। जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम, ये कहाँ से बने हैं, जोधपुर से बने हैं। और नीम का थाना कहाँ से बना है, सीकर से बना है। साथियों आपको एक बात बताऊँ मैं, कि आप ये सोच रहे होंगे
कि जब जयपुर जिले से पृथक करके तीन जिले बना दिए गए, यानी जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण और दो, तो ऐसी स्थिति में राजधानी राजस्थान की क्या होगी? ये प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा कि राजधानी जयपुर उत्तर होगी या जयपुर दक्षिण होगी या दूदू होगी। तो साथियों, वैसे दूदू का तो इतना ऑप्शन नहीं है, लेकिन जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण में आप जरूर कन्फ्यूज होंगे। तो ऐसी स्थिति में याद रखना, तो साथियों यदि हम राजधानी की बात करें तो क्या किया जाएगा, जयपुर में एक व्यवस्था शुरू है कमिश्नरेट, जिसे हम कहेंगे जयपुर कमिश्नरेट। और ये जयपुर कमिश्नरेट जो है ये राजधानी के एरिया में कह सकते हैं प्रशासनिक और राजनीतिक जो गतिविधियां हैं उनको संभालेगा। तो कमिश्नरेट जो व्यवस्था है ये दोनों जिलों में आ सकती है, जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण, यानी राजधानी का इलाका जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण दोनों जिले में एक कमिश्नरेट व्यवस्था जनरेट करके जो है राजधानी की व्यवस्थाओं को चलाया जाएगा। तो याद रखना, जयपुर ही राजधानी रहेगी, ना कि जयपुर उत्तर या जयपुर दक्षिण, ठीक है। अब अगली बात है कि ऐसे जिले जो कभी ना कभी विभाजित हुए हैं, तो उन जिलों की सीरीज हम यहाँ देख रहे हैं। जैसे श्री गंगानगर कब विभाजित हुआ, 1994 में विभाजित हुआ, हनुमानगढ़ बना, अब विभाजित होकर इससे अनूपगढ़ बन रहा है। ऐसे ही भरतपुर 1982 में विभाजित हुआ, धौलपुर बना, और अब विभाजित होकर इससे डीग बन रहा है। अलवर, ये अब विभाजित हो रहा है, इससे खैरतल बन रहा है, और आपके बहरोड और कोटपुतली जिले भी बन रहे हैं। इसी तरह जयपुर, जयपुर से दूदू, जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण बन रहे हैं। जोधपुर से जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम और फलौदी जिले बन रहे हैं। उदयपुर, उदयपुर से पूर्व में राजसमंद बन चुका है। इसके अलावा 2008 में इसकी जो धरियावद तहसील है उसे प्रतापगढ़ में भी दे दिया था, और अब वर्तमान में यहाँ से सलूमबर बन रहा है। बांसवाड़ा जो जिला है, इसकी एक तहसील अरनौद को पहले आपके प्रतापगढ़ में शामिल किया गया था। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ की प्रतापगढ़, छोटी शादड़ी तहसीलों को किसमें शामिल किया गया था, प्रतापगढ़ में शामिल किया गया था। इसी तरह कोटा, कोटा से 12 जिला बना था। सवाई माधोपुर से करौली बन चुका है। फिर महुआ तहसील जो इसकी थी उसे दौसा में दिया गया था, और अब इससे गंगापुर सिटी बन रहा है। सीकर से वर्तमान में नीम का थाना जिला बनेगा। अजमेर से ब्यावर और केकड़ी को जिला बनाया जाएगा। नागौर से डीडवाना कुचामन को जिला बनाया जा रहा है। इसी तरह बाड़मेर से बालोतरा को जिला बनाया जा रहा है। जालौर से सांचौर को जिला बनाया जा रहा है, और भीलवाड़ा से शाहपुरा को जिला बनाया जा रहा है। तो इस तरह की स्थिति अब राजस्थान की होने वाली है। साथियों, ये वीडियो में केवल इसीलिए लेकर आया था कि जिससे कि आपको जो परिवर्तन हो रहे हैं जिलों में वो आपको समझ आए। चलिए साथियों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।